हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि। आज के सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको अमेज़न प्राइम की टॉप 5 बॉलीवुड फिल्म्स का रिव्यू देने वाले हैं जो 2024 में रिलीज हुई है। इन्हें आप जरूर देखें अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो। पांचवें नंबर पर है बैड न्यूज। इस फिल्म की मेन कैरेक्टर सलोनी बग्गा, जिसका किरदार एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी प्ले कर रही है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बस प्रेग्नेंट होना तो आम बात है, पर इस कहानी में पता चलता है कि बच्चे के एक नहीं बल्कि दो बाप है। अखिल चड्डा प्लेड बाय विकी कौशल और गुरबीर पन्नू प्लेड बाय एमी विर्क। तुम खिचड़ी पका रहे हो साथ में है? कितने पैसे खिलाए तुमने डॉक्टर को? बात समझ, तेरा मैच टाई हो गया है। ऐसे कैसे टाई हो गया यार? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर आनंद तिवारी ने। ह्यूमर कंसिस्टेंट है और नॉर्मल कॉमेडिक मूवमेंट्स ऑफर करती है, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थीम फैमिली फ्रेंडली तो नहीं है, पर इस फिल्म का एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट उसका यूनिक कास्ट है। हर एक्टर कुछ अलग लेकर आता है जो एक रिफ्रेशिंग डायनामिक क्रिएट करता है और इसे दूसरी कॉमेडी से अलग बनाता है। आपको कहीं भी बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। म्यूजिक अच्छा है, खास तौर से सॉन्ग उसने तेरा तौबा तौबा। ओवरऑल ये एक बढ़िया चॉइस है एक रिलैक्स मूवी नाइट के लिए, जब आप बस एक हल्की फुल्की फन एंजॉय करना चाहते हो बिना किसी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या टर्न के। चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन। ये एक सच्ची कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने दुनिया की नजरों से दूर एक अनोखी जिंदगी जी है। ये एक अनबिलीवेबल स्टोरी है मुरलीकांत पेटकर की। मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है, मैं डरता नहीं है दुश्मनों से। हम दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। जो एक के बाद एक कठिनाइयों से लड़ता रहा अपने हौसले और अनडाइंग स्पिरिट के साथ, गांव में कुश्ती से शुरुआत करते हुए इंटरनेशनल सर्विस मीट में भारत को रिप्रेजेंट करने तक, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में लड़कर और विकलांग होने के बाद 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में खेलकर ब्लैक सितंबर के आतंकवादी हमले का सामना करने तक, कई ऐतिहासिक चीजें इसमें दिखाई गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर कबीर खान ने। चंदू चैंपियन एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, आपको कहानी सब तरह के इमोशंस महसूस कराती है। डायरेक्टर ने एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, सभी एक्टर्स अपने किरदार के लिए जच रहे हैं। अगर आप जिंदगी में थक गए हैं तो ये फिल्म एक परफेक्ट मोटिवेशन है। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। मुरली, तो इस फिल्म को जरूर देखें अमेज़न प्राइम पर। तीसरे नंबर पर है मैदान। अजय देवगन इस फिल्म में कोच रहीम के किरदार में देखे जाएंगे। कहानी सैयद अब्दुल रहीम से इंस्पायर्ड है, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहते हैं। 1952 ओलंपिक्स में बुरी तरह हारने के बाद कोच 1956 ओलंपिक्स के लिए देश के कोने कोने से प्लेयर्स को चुनकर अपनी टीम बनाते हैं। इन सबके बीच में कोच कई मुश्किल दौर से गुजरते हैं। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित शर्मा, साथ ही में एक्टर्स गजराज राव, प्रिया मणि भी इस फिल्म का हिस्सा है। चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, हर डिपार्टमेंट में आउटस्टैंडिंग है ये फिल्म। मूवी का स्टार्ट थोड़ा स्लगिश है, जो देखने में थोड़ा इम्पेशन बनाता है, लेकिन धीरे धीरे बिल्डअप होती है और एक परफेक्ट इमोशनल नोट पर खत्म होती है। सपोर्टिंग कास्ट का सिलेक्शन बिल्कुल फ्लॉलेस है, हर प्लेयर्स का कैरेक्टर असली लगता है, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह दिखाई देता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स ड्रामा में इंटरेस्टेड है तो ये फिल्म जरूर देखिए। दूसरे नंबर पर है मडगांव एक्सप्रेस। तीन दोस्त डोडो, पीकू और आयुष, यानी एक्टर्स दिव्येंदु शर्मा, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी, तीनों का बचपन से सपना था गोवा जाने का। कॉलेज के दिनों में उनकी ट्रिप फेल हो जाती है, आयुष न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है, पीकू केप टाउन, डोरो मुंबई में छोटी मोटी जॉब्स करता रहा, जबकि आयुष और पीकू फॉरेन में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। डोरो उनसे अपनी सच्चाई छुपाता है और वैसे ही जीने का नाटक करता है। सालों बाद तीनों मिलते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए मडगांव एक्सप्रेस से गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन ये ट्रिप उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो उस ट्रेन के नॉन एसी डब्बे में हमें टॉर्चर करवाना चाहता है, इसकी मम्मी को क्या जवाब देंगे? मर गया तो मैं क्यों मरूंगा यार। जब वो गोवा पहुंचते हैं तो पुलिस और दो गैंगस्टर मेंडोसा भाई और कांचन कोमड़ी उनके जान के पीछे पड़े होते हैं। थोड़ा औरतों की तरह चल, फिर संतरे ऊपर ले,
ये बार बार नीचे। कुणाल केमू ने ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है। डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग मूवी को पीक पर रखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दूसरा हाफ हमें सांसें रोकने पर और क्लाइमैक्स के लिए हमें अपनी सीट से चिपकने पर मजबूर कर देता है। ये फिल्म बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। सीन्स, लाइंस, हर एक्शन में कॉमिक ऐड करने का उन्होंने कभी भी मौका नहीं छोड़ा। ये उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो कॉमेडी मिस कर रहे थे। कोई कर्स वर्ड नहीं, सिर्फ प्योर कॉमेडी, तो इसे जरूर देखें। और पहले नंबर पर है काल की 2898 एडी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो अमर रहेंगे। उनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब वो कल्कि, जो भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा, उनकी माँ की रक्षा करेंगे। फिल्म में लीड कैरेक्टर्स अमिताभ बच्चन और प्रभास है। 6000 साल बाद फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में काशी के वीरान शहर पर एक ईविल यास्किन का राज है, जिसे प्ले कर रहे हैं एक्टर कमल हसन, जो फर्टाइल वुमेन को कैप्चर करते हैं और उनका सीरम यास्किन की जिंदगी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। लेकिन हार्डली कोई फीमेल 120 दिन से ज्यादा फर्टिलिटी को सरवाइव करती है। सुमति यानी एक्टर दीपिका पादुकोण 150 दिन तक फर्टिलिटी को सरपास कर देती है और उसका भी वही हाल होने वाला होता है जैसे बाकियों का। अश्वत्थामा को पता चलता है कि सुमति वही औरत है जिसके लिए वो अभी तक जिंदा है और वो उसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। एक यूनिक जॉनरा, अच्छी तरह लिखी गई स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इस मूवी को अच्छी शुरुआत देते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट विजुअल्स और बहुत ही डिटेल्ड क्रिस्प वीएफएक्स एक मच नीडेड थ्रिल देगा। टीम को सलूट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी स्केल की मूवी बनाई जो कि कई बॉलीवुड मूवीज के बराबर खड़ी होती है। आखिर में अगर आपको इंडियन वीएफएक्स का कमाल देखना है तो ये फिल्म जरूर देखें। तो वेल फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 बॉलीवुड फिल्म्स ऑन अमेज़न प्राइम का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाया है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को एनकरेज कीजिए।